हमारे विद्यार्थियों को चार ऐसी चीजें हैं जिन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला है कि उनका मस्तिष्क ठीक प्रकार से सक्रिय रहे, चीजों को निरंतर वो अच्छे से सीखते रहें। दूसरा है कि उनका पोस्चर ठीक रहना चाहिए। वो निरंतर बैठ करके लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं तो पोस्चर ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। अधिकांश देखा जाता है कि कई बार पोस्चर बिगड़ जाता है। इससे आगे है कि उनका पाचन ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे होगा उसके लिए भी उन्हें समुचित प्रयास करने चाहिए और चीज़ें सीखनी चाहिए। और उससे आगे है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थिर रख सकें। कई बार परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है, कई बार उतनी सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो इससे विचलित ना होकर के निरंतर आगे बढ़ने की जो एक क्षमता है वो विकसित करनी बहुत जरूरी है। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे और कैसे इनको ठीक रखा जा सकता है, योगाभ्यास के अंतर्गत क्या क्या वो चीजें हैं। आज योगाभ्यास को आप अलग अलग तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम दो आसन, उन आसनों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि ध्यान के लिए आसन प्रयोग किए जाते हैं या फिर जो आसन शरीर पर भी प्रभाव रखते हैं और मन पर भी रखते हैं, और आप पढ़ने के लिए भी किस आसन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जिससे कि आपका पोस्चर ठीक रहेगा। फिर हम देखेंगे कि क्या आप प्राणायाम कर सकते हैं जिससे लाभ होगा, और अंत में हम मुद्रा के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर आसनों की बात करते हैं तो आसनों में दो आसन इस प्रकार के हैं जो कि विशेष उपयोगी हैं। पहला है वज्रासन और दूसरा है सिद्धासन। वज्रासन अत्यंत उपयोगी रहेगा, करना बड़ा ही सरल है। इस प्रकार से पैरों को पीछे की तरफ मोड़ना है, अपने दोनों घुटनों को आपस में मिला करके रखना है, हाथों को आपको अपनी जंघाओं के ऊपर रखना है, पीछे से अंगूठा आपका मिला हुआ रहे और दोनों एड़ियों के बीच में कुछ अंतर रखना है जिससे कि आप एड़ियों के मध्य में इस प्रकार से बैठ सके। कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और इस प्रकार से एकाग्रता से आप कुछ समय तक बैठ सकते हैं। इस आसन से आपकी वज्र नाड़ी पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वज्र नाड़ी जो कि हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित होती है। ये तीनों संस्थान अगर ठीक हो जाते हैं तो समझे कि बहुत सुंदर आपने बदलाव किए अपने शरीर में, बहुत व्यवस्थित तरीके से आपका जीवन चलेगा। तो वज्रासन आपके लिए उपयोगी है। ऐसे बैठ करके आप आगामी अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं कुछ समय तक, और भोजन के बाद तो आपको 10 मिनट तक इस आसन में बैठना ही है। ये अत्यंत उपयोगी रहेगा। इससे आगे बढ़ते हुए आप देखें कि सिद्धासन, जो कि प्रमुख आसन कहा जाता है योगाभ्यास के अंतर्गत, इतने सारे आसनों के मध्य में अगर एक किसी आसन को विशेष बताया गया है वो सिद्धासन है। सिद्धासन का अभ्यास योगी अपनी साधना में प्रगति के लिए, ध्यान करने के लिए भी करते आए हैं, और साधना के लिए अगर प्रयोग हो रहा है तो जो आपकी पढ़ाई है वो भी आपके लिए साधना ही है, तो उसके लिए भी आप सिद्धासन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं कि पढ़ते हुए हम किस आसन में बैठे, कैसे बैठे, तो कमर सीधी रखनी जरूरी है। और जब आप देखें कि आप इस प्रकार से पालथी लगाकर बैठे हैं तो कई बार कमर आपकी धीरे धीरे मुड़नी शुरू हो जाती है, झुकनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होगा जब आप सिद्धासन में ठीक से बैठेंगे। सिद्धासन के विषय में हमने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें कि विस्तृत चर्चा हुई है। यहां पर मैं संक्षेप में आपको कहता हूं कि इस प्रकार से आपको अपने पैरों को सामने की तरफ ले जाना है। पहले बाएं पैर को लेना है और इस प्रकार से मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा से इस प्रकार से स्पर्श करा देना है। फिर दाहिने पैर को आपको इस प्रकार से मोड़ते हुए ऊपर लेकर के आना है और आपको बाएं पैर की जंघाओं के और पिंडलियों के मध्य में ऐसे इसको एडजस्ट करना है, और दूसरे पैर को इस प्रकार से ऊपर। जो आपका बायां पैर है, जो नीचे है, वो आपके पेरिनियम रीजन, आपके मल द्वार और आपकी जननेंद्रिय के मध्य का जो एक स्थान है वहां पर स्पर्श रहना चाहिए, ये सजगता रखनी अनिवार्य है। इस प्रकार से बैठ सकते हैं, इस प्रकार से बैठ के पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि ऐसे जैसे बैठते हैं हम, तो यहां से हमारे घुटने, हमारे पैर पूरा जमीन से, सतह से एक स्पर्श होते हैं। हम नीचे से बिल्कुल एक फ्लैट हमें एक पोस्चर मिलता है जिससे कि हमारी कमर सीधी रहने में हमें सुविधा होती है। अगर ऐसे ही पैर यहां से ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे तो कमर नीचे झुकनी स्वाभाविक ही शुरू हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सीधा बैठना है, सीधा बैठ करके पढ़ना है, तो ये विशेष उपयोगी रहेगा आपके लिए। इससे आगे बढ़ते हुए आपको मैं दो ऐसे प्राणायाम कहता हूं जो कि अत्यंत उपयोगी हैं। एक प्राणायाम जो भ्रामरी प्राणायाम है, ये आपको तुरंत ही लाभ आपके इसके अनुभव कर सकते हैं। आप जैसे ही इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आपको कुछ शांति अनुभव होनी शुरू हो जाएगी, कुछ अच्छा अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और जो इसके अन्य दूसरे लाभ हैं, मानसिक स्तर पर जो इसके लाभ मिलते हैं, बुद्धि की एकाग्रता क्षमताएं जो विकसित होती हैं, एक विश्रांति होती है, वो देखी गई है। वैज्ञानिक तल पर भी अगर इसके परीक्षण किए गए हैं तो उसमें भी विशेष इसके लाभ देखे गए हैं। तो आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, इसके लिए आपको षडमुखी मुद्रा का प्रयोग करना है। अपनी आंखों के ऊपर मध्य की दो उंगलियों को हल्का सा स्पर्श करा
मुस्कुराते हुए रखना है, दबाव बिल्कुल नहीं देना है ऊपर की उंगलियों को आईब्रोज के ऊपर, और नीचे की उंगलियों को नाशिका को ऐसे बंद नहीं कर लेना है, बस बगल में ऐसे रखना है, और कानों को अच्छे से अंगूठे से बंद करना है, होठों को बंद रखना है, दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर रहे, और तेज ध्वनि करनी है, भ्रमर की ध्वनि एक बार देख लेंगे जिससे कि समझ पाए। इस प्रकार से ये एक बार मैंने आपको बस करके बताया है, आपको हाथों को अच्छे से रब करना है और इस प्रकार से आंखों के ऊपर रखना है, हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलना है, और उसके बाद धीरे धीरे आप कुछ समय तक आंखें बंद भी करके रख सकते हैं, इससे थोड़ा अच्छा भी आपको अनुभव होगा, सुविधा भी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलें। इसका अभ्यास आप 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार करें, कोई इसमें समस्या नहीं है, बहुत ही अच्छा है, विशेष आपके लिए प्रभावी रहेगा। इससे अगला जो अभ्यास है वह है नाड़ी शोधन का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में तो एक अलग से ही मार्गदर्शन आपको देखना होगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे इसमें अलग विशेष महत्वपूर्ण तरीके हैं, धीरे धीरे साधक एक तरीके से दूसरे तरीके पे कैसे बढ़ता है ये विशेष है, क्योंकि हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं जो कि हमारी ऊर्जा का संचार पथ है एक तरीके से, तो उनको आप जब शोधन उनका करना चाहते हैं तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से होता है। इससे हमारे मस्तिष्क पर भी, हमारे जीवन पर, शरीर पर, मन पर, स्वभाव पर विशेष प्रभाव इसके पड़ते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त होगी, वहां से आप अवश्य देखें। इससे आगे बढ़ते हुए जो अभ्यास आपको आपके पोस्चर को अच्छा रखने में सहायक है उनके विषय में हम बात करेंगे। तो आप अगर भ्रामरी प्राणायाम नाड़ी शोधन करते हैं तो मानसिक विश्रांति रहेगी, मस्तिष्क पर अच्छे प्रभाव रहेंगे, वज्रासन से आपका पाचन अच्छा रहेगा, और जो आप सिद्धासन करेंगे उससे भी आपको पढ़ने में सुविधा भी होगी, और अनेक लाभ हैं वो आप अलग से जो वीडियो है वहां पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको अपने पोस्चर को कैसे ठीक रखना है, 2 समूह है और 4 आसन है, इनको समझ लेंगे। सबसे पहले आपको अपने पैरों को आगे की तरफ इस प्रकार से रखना है और यहीं से आपको पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करना है। इसके लिए आपको इनहेल करना है, पूरा सांस अंदर भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार से कमर को जितना सीधा हो सके रखें, अपने अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ें, कोहनियों को नीचे स्पर्श कराएं और पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को अपने जंघाओं से और माथे को अपने घुटनों से स्पर्श करा दें। कुछ समय तक रुकने के बाद धीरे धीरे से सांस को अंदर भरेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। यहीं से आपको करना है पूर्वोत्तानासन का अभ्यास। पूर्वोत्तानासन के लिए अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे रख लेंगे और यहीं से पूरा सांस अंदर भरते हुए पूर्वोत्तानासन। कुछ समय रुकेंगे, जितना भी आराम से आप रुक सकते हैं, फिर वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। इससे आगे बढ़ते हुए 2 आसनों का समूह और करेंगे। यहीं से अपने पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे। पर्वतासन के लिए आपके पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रहे, जितना हाथों के मध्य में अंतर है उतना ही पैरों के मध्य में अंतर रखें। एड़ियों को आप अपनी मैट पर, भूमि पर स्पर्श करा करके रखें। आपकी गर्दन दोनों हाथों के मध्य में रहे और आपका माथा जितना हो सके आपकी मैट की तरफ जाए। इस प्रकार का जब आप अभ्यास करेंगे पूर्ण सजगता के साथ, तो अनुभव करेंगे कि पूरे शरीर पर इसका एक विशेष प्रभाव आपको दिखाई देगा। कुछ समय तक यहाँ रुकना है, फिर धीरे धीरे आगे और पूरा सांस छोड़ते हुए नीचे। हाथों को यहीं पर आपको जमाए रखना है और पूरा सांस भरते हुए अगला आसन जो है भुजंगासन, इसका अभ्यास करें। कुछ समय यहां रुकें, पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए वापस नीचे, और इसी प्रकार इस क्रम को आप दोहराएंगे। जितना भी आप आराम से कर सकते हैं इन दोनों समूहों का 3 बार 4 बार 5 बार इनको दोहराएंगे, तो इतना मात्र करने से आपका पोस्चर कभी नहीं बिगड़ेगा,
फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी और अन्य जो लाभ प्राप्त होंगे वो विशेष आपको अनुभव होंगे इस अभ्यास से। आपको जो अभ्यास करना है वो है शांभवी मुद्रा का अभ्यास। शांभवी मुद्रा एक विशेष अभ्यास है जो कि दोनों तरीके से विशेष प्रभावी है हमारे लिए। अगर हम आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, यौगिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी एकाग्रता और मस्तिष्क की क्षमता का हम विकास करना चाहते हैं, तो शांभवी मुद्रा, ये शंभु भगवान शिव की प्रिय मुद्रा और उनके द्वारा ही निर्दिष्ट है, तो ये योगियों के लिए विशेष रही है हमेशा ही और इसका अभ्यास भी योगी निरंतर करते रहे हैं, तो इसको आप ठीक से समझ सकते हैं। इसके विषय में भी विस्तृत मार्गदर्शन की आवश्यकता है क्योंकि अल्प ज्ञान से हम इस मुद्रा का अभ्यास नहीं कर सकते, तो ठीक से आपको समझना होगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जाकर के जरूर देख लें। इससे आगे बढ़ते हुए मानसिक शांति के लिए आप समर्पण ही एक तरीका है जिसको अपना सकते हैं। ईश्वर के प्रति जिस व्यक्ति का समर्पण होता है, जो ये मानता है कि ईश्वर मेरे बंधु हैं, सखा हैं, मेरे स्वामी हैं, सब कुछ नियंता करता वही है और उनके प्रति समर्पित रहता है, वो सदा ही आत्मविश्वास से युक्त रहता है। ईश्वर की न्याय सत्ता पर कभी हमें संदेह नहीं करना है, हमें विश्वास रखना है कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और अगर हमें कहीं ना कहीं ऐसी सफलता जीवन में प्राप्त नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, हमें और विकसित करने की आवश्यकता है और कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। इस विषय पर भी विस्तृत मार्गदर्शन किया गया है। ज़्यादा सोचना बंद करें। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्राप्त हो जाएगी, जाकर के अवश्य देखें, आपको विशेष लाभ होंगे और विशेष आपके लिए ये एक मार्ग खुलेगा आपके भावी जीवन में और उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का। तो ये हमारे विद्यार्थियों के लिए विशेष है, अपने सभी बंधुओं तक इसे अग्रेषित अवश्य करें जिससे कि सभी के मध्य में एक विशेष जागृति पहुँच सके कि हम किस प्रकार से हठ योग से और हम अपने सनातन सिद्धांतों से लाभ लेते हुए अपने विद्यार्थी जीवन को सक्षम बेहतर बना सकते हैं और अपनी सही प्रकार से सभी क्षमताओं का प्रयोग कर सकते हैं। सभी के लिए आज यही एक मार्गदर्शन है। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।